कन्हैया लाल के हथियारों की एक तस्वीर एक दिन पहले सामने आई जब वो कोर्ट में लड़खड़ाते हुए पेश हुए थे, जिस दौरान जज ने उनसे पूछ लिया था कि आखिरकार पैर में चोट किस वजह से लगी। इन्हीं हथियारों यानी रियाज और गौस मोहम्मद का एक और वीडियो सामने आया है, यानी शनिवार को जब NIA कोर्ट में इन्हें पेश किया गया तो इनके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन इनके शरीर और चाल से साफ पता चल रहा था कि वो चल भी नहीं पा रहे हैं। दोनों को पुलिस वाले लगभग उठाते हुए कोर्ट के अंदर ले गए। दोनों में से एक ने आसमानी रंग की टी-शर्ट पहनी और काली पैंट पहनी हुई थी। दो पुलिस वालों ने उसे अपने कंधे पर उठा रखा था। इससे पहले भी पिछली सुनवाई में दोनों लड़खड़ाते हुए कोर्ट में पेश हुए थे। दरअसल उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर केस में गौस मोहम्मद, रियाज समेत चारों आरोपियों को शनिवार को जयपुर के NIA कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में काफी हंगामा हुआ और रियाज और गौस के चेहरे ढके हुए नजर आए। पुलिसकर्मी के सपोर्ट से वो कोर्ट में जाते दिखे। फिलहाल NIA इस केस को अपने हाथ में ले चुकी है और हमलावरों से केस के बारे में लगातार पूछताछ चल रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।